जगन्नाथ दर्शन कले केन्द्र मंत्री सर्वानंद सोनवाल महाप्रभु को दर्शन करी भाव विहोल हेले केन्द्र मंत्री पुरी रे पहुंची जगन्नाथ दर्शन करिसंती केन्द्र आयुष मंत्री सर्वानंद सोनवाल जगन्नाथ मंदिर आसी केही खाली हाथ रे फेरे नहीं बरं महाप्रभु बुद्धि बड़ शक्ति साहस देथांती बोली खूब भाव विहोल होई कहिसंती से आहुरी मध्य कहिसंती जे तांको कृपारु समस्तक शांति मिलिथाय सेपटे राम प्राण प्रतिष्ठा होगा जाऊला बेले राम राज्य प्रतिष्ठार ए समय प्रकृष्ट बोली से कहते प्रधानमंत्री मोदीजी दूरदृष्टि निरंतरता सचोटता परिश्रम आज भारत में शांति समृद्धि प्रतिष्ठा करी से कहवा सह पावन धाम पुरी में पाद रखी धन्य होती भाव व्यक्त कर जय जगन्नाथ जी का दर्शन हुई प्रभु ने बहुत प्यार दिया है प्रभु का प्यार प्रभु का आशीर्वाद महसूस हुई है तो इसलिए जो भी व्यक्ति जय जगन्नाथ मंदिर आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते प्रभु हमेशा कृपा करते हैं सबको जीवन में शांति से आगे बढ़ने के लिए प्रभु हिम्मत देते हैं शक्ति देते हैं भक्ति देते हैं ज्ञान देते हैं बुद्धि देते हैं बल देते हैं और ये जो हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक धारा है मूल्य है हर भारतीय आज इसी से जीवन जीते हैं और देश और विदेश में कहीं भी है हर भारतीयों को इससे प्रेरणा मिलती है जीवन जीने का बहुत सबका अपेक्षा ही है सब पे इंतज़ार है अगले 22 तारीख को जब हमारे देश के आदर्शवादी नेता दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से जब ये प्राण प्रतिष्ठा होंगे उसी पल के लिए सब इंतजार में सब इंतजार में है और सब भक्ति भावना से सारे कार्यक्रम से जुड़ गए हैं अभी महाप्रभु का दर्शन परे पुरी गोपबंधु आयुर्वेदिक कॉलेज रे जोग देथिले केंद्र आयुष मंत्री सर्वानंद सोनवाल 70 वर्षरु अधिक समय धरि चली आसुथिबा एई कॉलेज को प्रशंसा करिसंती केंद्र मंत्री कॉलेज रो पिला मानंकु उद्बोधन देई सेमानंक उत्साह बढ़ाइबा सह कॉलेज तरफरु प्रिंसिपल देइथिबा दाबी सबकु पूरा करिबाकु चेष्टा करी बोली कहिसंती गोपबंधु आयुर्वेद जो कॉलेज इस कॉलेज ने बहुत साल पूरा किया है 70 से अधिक साल हुई तो उनके जो सफल यात्रा में जिन लोगों ने विशेष योगदान दी है सबको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ जो यहाँ इस दुनिया में नहीं रहा उनको भी मैं नमन करता हूँ और निश्चित रूप से कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल जी ने जो भी बात रखी है प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन की अगले दिनों में उनकी मांग पूरा करने के लिए निश्चित रूप से हमारी तरफ से भी सकारात्मक कदम उठाया जाएगा और हम चाहते हैं कि आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जिस जिस प्रदेश ने विशेष भूमिका ली है और उन प्रदेशों का साथ बातचीत करके अगले दिनों में हमारी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रिसर्च फैसिलिटीज एंड ऑल अदर्स एस्पेक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग द पीपल मोर एंड मोर इनटू द सेक्टर ऑफ आयुष इस विषय पर हमारी तरफ से जो भी कदम संभव होगा हम उठाएंगे और मैं आज विशेष रूप से पवित्र धरती में हूँ जय जगन्नाथ मंदिर की इस पवित्र भूमि में मैं उपस्थित होकर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे एक पवित्र धरती ने आज भगवान जगन्नाथ ने जो भी आशीर्वाद भारतीय समाज को दी है इसके वजह से आज उन्होंने अपने दुनिया में अपनी काबिलियत दिखाने में उनको भी शक्ति मिला है भक्ति भी मिला है तो ऐसे पवित्र भूमि में निश्चित रूप से अगले दिनों में हमें और भी जोड़ना चाहिए पूरी संतोष कुमार दास का रिपोर्ट खबर उड़ीसा।